कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नवली 12 मध्य 12 कठिन समाकलन इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स की घात एक्स पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 dx का मान ज्ञात करो। हम लिखेंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स रेस टू 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 dx की क्या करें, अंश व हर में इसके अंश व हर में किसका एक्स स्क्वायर का भाग देने पर इसके अंश और हर में जब हम एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे भाग देंगे तो इसके भाग देने पर जो कंडीशन आएगी वो कुछ इस प्रकार से आई इक्वल टू पहला पद तो 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर बटे वाला पद x की घात 4 है x की घात 2 में x की घात 2 का भाग देंगे तो ऋण 2 धन 1 बटे x की घात कितनी 2 dx ये बनेगा। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इसको पूरे की घात 2 के रूप में लिखा जा सकता है कैसा x माइनस 1 बाय एक्स पूरे की घात क्या 2 अंश वाले पद को कौन से पद को अंश वाले पद को और हर वाले पद को कुछ इस प्रकार से चेंज कर सकेंगे। माना कि हर वाला जो पद है वो t के बराबर मतलब x माइनस 1 बाय एक्स किसके बराबर है t के। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या मिलेगा 1 प्लस 1 बाय एक्स dx बराबर इसे क्या dt के ये इसके मिलेगा। तो ये ही वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। वैल्यू हमारे पास कुछ इस प्रकार से I इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या अंश dt में हर t में I इक्वल टू t बाय ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर। घात कैसी है, घात हमारे पास इसकी कैसी है 2 है। जब हम इसको हल करेंगे तो आएगा माइनस 1 बाय टी प्लस सी और टी की वैल्यू को रख देंगे तो टी की वैल्यू हमारे पास है आई इक्वल टू माइनस 1 बाय टी की वैल्यू है एक्स माइनस 1 बाय एक्स इस वैल्यू को हम रख देंगे एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस सी इट मीन्स आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स एक्स कहाँ जाएगा अंश में लेकिन वो माइनस एक्स ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल, धन्यवाद।